तो गाइज सबसे पहले ये चेक करो कि 21 नवंबर को ही क्राउल हुआ था, 21 नवंबर को ही मैंने पब्लिश करा था और 21 नवंबर को ही मेरा पेज इंडेक्स हो गया है। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, क्योंकि गाइस आज का जो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है, क्योंकि गाइस बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझे DM कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई मेरे जो ब्लॉग पेजेस है या ब्लॉग पोस्ट है वो इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, एक महीना हो चुका है, एक हफ्ता हो चुका है, अभी तक इंडेक्स नहीं हुआ है। तो गाइस आज का वीडियो का टॉपिक यही रहेगा कि आप किस तरह से आप अपने न्यू ब्लॉग इंडेक्स करा सकते हो गूगल पे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री टूल यूज़ करके। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले गाइस एक चीज मैं हमेशा बोलना चाहूंगा, ये चैनल जो है ये आपका और मेरा चैनल है जिसका नाम है SEO स्मार्ट की। इस चैनल के ऊपर आपको बैकलिंक्स के रिलेटेड, ट्रैफिक के रिलेटेड, रैंकिंग के रिलेटेड प्रॉपर SEO के वीडियो आपको मिलती रहेगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और जो कि बिल्कुल प्रीमियम लेवल पे रहेगा। तो गाइस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेना और गाइस नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। इसके अलावा गाइस जो भी आपके जो डाउट्स होंगे, जो भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या इसके अलावा आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हो इंस्टाग्राम में। मैं ऑलमोस्ट हर किसी का मैं रिप्लाई करता हूँ, हर किसी को मैं सोल्यूशन भी देता हूँ। और वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस सबसे पहले गाइस प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ देखने के बाद वो मैंने इंडेक्स कैसे करा और कौन सा टूल यूज़ करा, वो सारी चीज़ें इन डिटेल्स में बात करूंगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको कहीं पे भी कोई पेमेंट की नीड ही नहीं है, बिल्कुल फ्री रहेगा। और ये मेथड मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा है, क्योंकि ये मेथड यूज़ करके मैंने अपने सारे जितने भी न्यू ब्लॉग्स हैं वो मैं इजीली इंडेक्स करता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आप प्रूफ देखिए, सबसे पहले गाइस मैं आपको गूगल का प्रूफ दिखा देता हूँ। तो गाइस उसके लिए जो है मैं इंडेक्सिंग का देख लेता हूँ, साइट डबल डॉट और URL को कॉपी पेस्ट कर दिया, साइट तो मेरी इंडेक्स हो चुकी है। और इंडेक्सिंग कब हुई है वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे 21 नवंबर 2023 को जो है ये लास्ट क्राउल हुआ था। अब ये मैंने पोस्ट कब पब्लिश करा वो भी चीज़ मैं दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे मैंने 21 नवंबर को ही पब्लिश करा था। और वेब मास्टर टूल में भी दिखा देता हूँ कि लास्ट क्राउल कब हुआ था, वो है 21 नवंबर 2023 और टाइम के साथ यहाँ पे दिखा रहा है। तो गाइस ये मैंने क्या करा वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप कोई भी ब्लॉग आप पब्लिश करते हो, पब्लिश करने के बाद आपको क्या करना है, वेब मास्टर टूल में जाकर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करना है, जो कि हर कोई करता है, हर किसी को ये चीज़ पता है। इसके बाद आपको क्या करना है, उसी URL को आपको कॉपी करना है और एक टूल का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उस टूल में जो है जाके आपको बस लिंक को कॉपी पेस्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो है आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, आपका जो भी वेबसाइट होगा उसकी कैटेगरी को आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे आप कम से कम मिनिमम 10 URLs को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और 10 URLs को कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा स्टार्ट इंडेक्सिंग करके, आपको सिंपली स्टार्ट इंडेक्सिंग पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये टूल यूज करने के बाद मात्र 12 से 14 घंटे के अंदर जो है आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है वो इंडेक्स हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। लेकिन गाइस एक चीज़ और मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, कभी कभी क्या होता है मेरे जो ब्लॉग्स है वो जो है कम से कम 6 घंटे में या 9 घंटे में या 1 घंटे में भी इंडेक्स हो जाता है, कभी कभी एक दो दिन का भी टाइम ले लेता है। लेकिन गाइस ये टूल यूज़ करने के बाद आप कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम देखना और आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो इंडेक्स हो जाएगा। होपफुली गाइस आज के वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिला होगा। अगर नॉलेज मिला है तो गाइस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और गाइस साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर क्रिएट करो और क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो SEO करने के समय, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता दो या तो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता दो। थैंक यू सो मच गाइस।